अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। मेरठ में अधिवक्ता ओंकार तोमर के आत्महत्या मामला तूल पकड़ चुका है। साथ ही अधिवक्ताओं ने आज भाजपा विधायक दिनेश खटीक व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसएसपी ऑफिस में हंगामा किया। एसएसपी की गैर मौजूदगी में भारी शोरगुल के बीच एसपी देहात ने उन्हें आश्वासन दिया कि 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अधिवक्ता बराबर भाजपा विधायक दिनेश खटीक का नाम लेकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जबकि पुलिस अफसरों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की। बाद में मीडिया से वार्ता करते हुए एसपी देहात केशव मिश्रा ने कहा कि 24 घंटे में साक्ष्य जुटाने का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। साक्ष्य के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा गिरफ्तार किया जाएगा। सुसाइड नोट में उन्होंने कुछ जनप्रतिनिधियों का नाम होने का भी उल्लेख किया। बता दें कि शनिवार की सुबह गंगानगर थाना अंतर्गत ईशापुरम निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। उनके पुत्र दिवेश के मुताबिक अपने सुसाइड नोट में ओंकार तोमर ने भाजपा विधायक दिनेश खटीक आदि को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। गंगानगर थाने के घेराव व नेशनल हाईवे जाम करने के बाद पुलिस को मजबूरन भाजपा विधायक समेत 14 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी थी। आज अधिवक्ताओं ने कचहरी स्थित नानक चंद सभागार में सभा की। आइए चलते हैं नानक चंद सभागार, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी शिवानी मांगवानी। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरठ कचहरी के एडवोकेट ओंकार तोमर ने परसों अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। उसी सिलसिले में उनको इंसाफ दिलाने के लिए आज एक बैठक रखी गई है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। इसी के लिए आज एक मेरठ बार एसोसिएशन में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सब अपना पक्ष रख रहे हैं और किस तरीके से दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, किस तरीके से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, ये इन सब के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई है। सभा के बाद अधिवक्ता जुलूस की शक्ल में एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वहां घेराव किया। अधिवक्ता बराबर भाजपा विधायक दिनेश खटीक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसएसपी अजय सहानी को बुलाने की मांग पर अड़े थे। एसएसपी के न आने पर आधे अधिवक्ता बाहर आ गए और धरना देकर बैठ गए। कुछ अधिवक्ताओं ने कमिश्नरी चौक पहुंचकर यातायात बाधित कर दिए। हमारी सहयोगी शिवानी दिखा रही है एसएसपी ऑफिस के भीतर का दृश्य, जहां भारी शोरगुल के बीच पुलिस अफसर आश्वासन दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी जाएगी। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं एसपी देहात केशव मिश्रा। ये जो गंगानगर में एक सुसाइड हुआ है, उसी के परिपेक्ष में अधिवक्तागण लोगों की के लोग, कुछ लोग मेंबर लोग मिलने के लिए आए थे। इन लोगों से भी वार्ता हुई है और वार्ता के क्रम में जो भी इन लोगों की डिमांड है उसके अनुसार साक्ष्यों के आधार पे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे सर? जो फिलहाल ये उसी केस से जो रिलेटेड अभियुक्त हैं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और उनके मांग को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्यों के आधार पर बहुत जल्दी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो सर मौत हुई है, सर आत्महत्या हुई है, जी, कितने लोग? इसमें लगभग 13-14 लोग नेम्ड हैं और उन सभी के विरुद्ध जो भी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी गई है। इसमें कई लोग हैं आरोपी, ससुराल पक्ष के हैं, उसके बाद कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं और इन सभी के विरुद्ध जो भी हैं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। एक सुसाइड नोट की बात आ रही है, सुसाइड नोट बरामद किया गया है, सील किया गया है और बाकी जो भी बयान, सीसीटीवी फुटेजेस, सीडीआर एनालिसिस, वो सारे के सारे साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं और उसी क्रम में जाँच वगैरह चल रही है। जो नाम आ रहे हैं उससे संबंधित और भी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है लगातार। नहीं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यही कहा गया है कि साक्ष्यों के आधार पर बहुत जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 24 घंटे का समय दिया। हाँ, कहा गया है साक्ष्यों के आधार पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी अभियुक्तों की। इस खबर पर हमारी नजर बराबर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।